सो हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की जो वीडियो है हम करेंगे कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग। देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना हाईलाइट एंड कौन सा कलर कितना मस्त लग रहा है कलर। और फिर फ्रेंड्स, जो मेन पॉइंट है ऑयल पेंट वाला, जो हेयर में ऑयल पेंट चला गया है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक खास ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक, देखिएगा। यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो बिना देर किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट आप समझ ही गए होंगे, सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देर किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसी फ़ोटो को हम एडिट करेंगे। देख लीजिए हमारा हेयर वगैरह सब चीज़, और मैं टोटली एडिटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को, हेयर से लेके फेस स्मूथ और ऑयल पेंट के बारे में खास तक। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, देखिएगा। यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो इसको सबसे पहले हम शेयर कर देंगे गाइज लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको मैं लाइटरूम में शेयर कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आसानी से आ चुका है। और फिर यहाँ पे मैं एक प्रेसेट का यूज़ किया हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले मैं उस प्रीसेट का यूज़ करूँगा, नहीं तो एक एक मैं करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो प्रीसेट का यूज़ कीजिए और एक ही क्लिक में अपना फ़ोटो एडिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा प्रीसेट, देख सकते हैं। बहुत ही हार्ड वर्क करता है फ्रेंड्स, इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको क्या करेंगे फ्रेंड, ऊपर की तरफ 3 डॉट दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे और कॉपी सेटिंग करेंगे, नीचे वाले को सेलेक्ट कर देंगे। फिर फ्रेंड्स आएंगे इस अपने ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर, और फिर 3 डॉट को क्लिक करेंगे, उसमें कॉपी किए थे वो इसमें पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, लाइट को देख लीजिएगा अपने फ़ोटो के हिसाब से। मैं ब्लैक को थोड़ा कम करता हूँ। ब्लैक कम हो गया फ्रेंड्स, और फेस का लाइट भी थोड़ा कम करता हूँ। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस डिटेल्स के ऑप्शन में आ जाएंगे और शार्पनिंग को हल्का सा कम करेंगे और नॉइस रिडक्शन को बढ़ाएंगे 40 तक। 40 तक नहीं, अपने फ़ोटो के हिसाब से मैं 30 तक रखता हूँ। और ये कलर नॉइस है जो, इसको हम 40 तक रखेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो जो बैकग्राउंड या फेस वगैरह फटता है। फिर फ्रेंड्स, अब इसमें हमारा लाइटरूम का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको शेयर करेंगे स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ऑयल पेंट कैसे मारें। तो फ्रेंड्स, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेयर टू के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो आएंगे फ्रेंड्स स्नैपशीट के अंदर, ये रहा स्नैपशीट। इसके अंदर आने के बाद फ्रेंड्स टूल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इसको क्लिक करेंगे। फिर फेस, ये जो इसको बढ़ाने से क्या होता है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड का फोकस जो है, यानी पूरे फोकस, पूरे बैकग्राउंड यानी पूरे फोटो का फोकस हमारे फेस के ऊपर जाता है। और फिर स्किन स्मूथ है, इसको अपने स्किन के हिसाब से देख लीजिएगा, स्मूथ होता है फ्रेंड्स इसको इससे। फिर आई क्लियरिटी है, जिसमें आई को साफ करता है ये फ्रेंड्स, वाइटनेस लाता है। तो इसको सेव कर देंगे इतना करके। फिर फ्रेंड्स क्या करना है, हमें अपने हेयर के अंदर डिटेल्स लाना है, जिससे जितना हम डिटेल्स लाएंगे अपने बाल को पूरा फाड़ के रख देंगे, उसके बाद स्मूथ करेंगे तो हमारा हार्ड होगा। तो फ्रेंड्स टूल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ डिटेल्स का ऑप्शन है, देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ हल्का सा स्लाइड करेंगे इतना 40 तक, और नीचे वाले को फुल रख देंगे। फिर फ्रेंड्स इसको क्लिक करेंगे, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्लिक करते हैं। और यहाँ व्यू एडिट, इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे डिटेल्स को
क्लिक करेंगे और बीच में इरेजर का आइकन दिख रहा है फ्रेंड्स, उसको टैप कर देंगे। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, अपने हेयर को, बस हेयर के ऊपर इसे वर्क करना है और हेयर के ऊपर इसे प्रेस करेंगे इस टाइप से, जिससे हमारे हेयर का डिटेल्स बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अपने हेयर के ऊपर बस चलाइएगा जूम करके, फेस के ऊपर ना चले। तो फ्रेंड्स इतना होने के बाद सेव कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स हमारा अब स्नैपसीड का काम भी ख़त्म हो चुका है। अब इसको शेयर करेंगे टूलविज एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से शेयर करते हैं, शेयर का आइकन है, इसको क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं शेयर कर दिया हूँ टूलविज एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे हमारा टूलविज में आ चुका है। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, देख लीजिएगा नीचे की तरफ इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ऊपर से सॉरी फ्रेंड्स नीचे से दो नंबर पे एक आइकन दिख रहा है जहाँ पे लिखा है सॉफ्ट स्मूथ, तो उसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यानी सेकंड लास्ट को चूज करेंगे। फिर फ्रेंड्स इतना होने के बाद ये मास्क के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन दिया इसे क्लिक कर देंगे और अपने हेयर को जूम करेंगे और ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। अपने हेयर के ऊपर ब्रश को चला देंगे। आप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। देख सकते हैं हमारा हेयर अच्छे तरह से स्मूथ हो रहा है। अभी कुछ ओवर दिखाता है, सेव करने के बाद सही हो जाता है फ्रेंड्स। चाहे तो बैकग्राउंड के ऊपर भी चला सकते हैं। फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब इसको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद फ्रेंड्स शेयर करेंगे फिर से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स इसको पिक्सआर्ट के अंदर ले जाते हैं क्योंकि हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इफेक्ट का ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इसको क्लिक करेंगे और ये कलर रिफ्लेक्स का ऑप्शन दिया है यहाँ पे थर्ड नंबर में, इसको क्लिक करेंगे और प्लस वाले आइकन को ले जाकर बैकग्राउंड पे छोड़ देंगे। फिर ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा। तो इसको हमें ये वाला कलर रखना है फ्रेंड्स, ये वाला। इतना होने के बाद फ्रेंड्स फिर टूल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और कॉर्वेस का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे राइट की तरफ हल्का सा उठा देंगे। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, रिटचिंग का ऑप्शन दिया है नीचे की तरफ, उसको क्लिक करेंगे और हेयर कलर कर देंगे। फ्रेंड्स हेयर कलर में आएंगे, हेयर नहीं कलर करना है हमें। यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो का एक चिन्ह दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक में हट जाएगा। फिर आएंगे अपने मेन कलर के अंदर फर्स्ट वाले में और यहाँ पे चूज करेंगे रेड वाला कलर क्योंकि हमें लिप्स रेड करना है। फिर से इसको कट कर देंगे और लिप्स पे आएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे लिप्स को नीचे वाला बस रेड किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, गर्ल का हो तो दोनों लिप्स रेड करेंगे और बॉय का हो तो बस नीचे वाला लिप्स रेड करेंगे। फ्रेंड्स इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इतना होने के बाद अपने हिसाब से इसका सिचुएशन देख लीजिएगा, इसको सेव कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अब हम आई में लेंस लगाएंगे। फ्रेंड्स तो आई लेंस का ऑप्शन यहीं पे स्लाइड करने पे हेयर कलर के बाद इसको कुछ इतना रखेंगे और इरेजर का ऑप्शन ऊपर की तरफ है, इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और हार्डनेस को बढ़ाएंगे और ऊपर की तरफ मिटा देंगे फ्रेंड्स। इतना होने के बाद फिर सेव करेंगे फ्रेंड्स और फिर अपने आई को क्लिक करेंगे और हमें कलर चेंज कर देंगे इसको। तो ये येलो वाला लाता हूँ और इसका इतना डाउन कर देता हूँ, हल्का सा ब्राइट करेगा गोल्डन कलर में। फ्रेंड्स इसको इतना सेव कर देंगे।
फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इसको हम फोटो को स्मूथ करेंगे। तो ड्रा टूल के अंदर जाएंगे फ्रेंड्स और थ्री डॉट को क्लिक करेंगे और फोटो को सेव कर देंगे। फिर आएंगे गैलरी के अंदर फ्रेंड्स, यहाँ पे गैलरी के अंदर आ चुके हैं। अब इसको शेयर करेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो ऑटोडेस्क में स्केचबुक में मैं शेयर कर देता हूँ। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं आइकन दिख रहा है, मैं बार बार बताता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो में बने हैं तो बने रहिएगा क्योंकि एक खास ट्रिक बताने वाला हूँ। ये वाला ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ, देख सकते हैं इसकी सेटिंग को देख लीजिए। मैं सेटिंग को रखते हैं फ्रेंड्स 2%, 2 या 3, और नीचे वाला 2 और साइज कुछ इतना। फिर देखते हैं मैं अच्छे से स्मूथ हो रहा है यानी कि सही है। तो अपने फेस के ऊपर हल्का हल्का स्लाइड कीजिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। बिल्कुल आराम से कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार बताता हूँ कि फेस स्मूथ वाला वर्क जो होता है वो बिल्कुल आराम से किया जाता है, नहीं तो हमारा फ़ोटो में धुंधलापन आ जाता है जिससे हमें बाद में बोलते हैं कि ये फ़ोटो फट रहा है। और फेस स्मूथ हम बढ़िया से कर दिए हैं तो समझ लीजिए कि अपने फ़ोटो में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी ला देंगे। तो अच्छे से स्मूथ कीजिएगा बिल्कुल आराम से, एक हिसाब से टाइम देख के आधा घंटा से कम मत लगाइएगा। और जहाँ पे स्मूथ करने पे वहाँ पे बार बार ब्रश ना मारें। और फ्रेंड्स एक फ़ोटो को एक ही बार स्मूथ करें। फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्पीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं स्मूथ कर रहा हूँ, देख लीजिए। फ्रेंड्स हमारा फेस अच्छे से स्मूथ हो गया। अब नीचे मैं अपना गला स्मूथ कर रहा हूँ, नीचे वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और इसको स्मूथ करेंगे। जहाँ पे साइज छोटा करना होगा वहाँ पे छोटा करके ही कीजिएगा। तो फाइनली गाइज हमारा फोटो स्मूथ अच्छे तरीके से हो चुका है। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है इसको मैं कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। अब थोड़ा सा लिप्स को भी स्मूथ कर देते हैं, साइज को छोटा करेंगे और नीचे वाला लिप्स को स्मूथ करेंगे जिससे अच्छा लगेगा। स्मूथ हो गया फ्रेंड्स। अब इसको फिर से हम ले चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, लास्ट वर्क वही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा फोटो स्नैपसीड में आ चुका है। अब इसको टूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऊपर ट्यून ओमेंज जो सबसे फर्स्ट में है उसको क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। यहाँ पे एम्बियंस का ऑप्शन है, इसको बढ़ाएंगे फ्रेंड्स हल्का सा जिसे बैकग्राउंड में लाइट आए। फिर फ्रेंड्स कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे, शैडो को थोड़ा माइनस करेंगे हल्का सा। फिर फ्रेंड्स सेव कर देंगे। फिर यहाँ वीवी एडिट को क्लिक करेंगे और हम बस बैकग्राउंड के ऊपर चला देंगे साइड साइड में।
इतना होने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल्स वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सेलेक्ट टिक को सेलेक्ट कर देंगे और ले जाके अपने लिप्स के ऊपर छोड़ देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस हल्का कम करेंगे और कंट्रास्ट को भी हल्का सा कम कर देंगे, कुछ ज़्यादा हो गया है। इतना होने के बाद फ्रेंड्स अच्छे तरह से लिप्स रेड हो चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ देख सकते हैं कर्वस का ऑप्शन लास्ट पॉइंट यही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट सबसे लास्ट में देख सकते हैं लुमियंस का ऑप्शन है। सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ हल्का सा उठाएंगे फ्रेंड्स, नीचे डाउन कर देंगे। फिर आएंगे फ्रेंड्स ब्लू वाले में, इसको नीचे की तरफ हल्का सा नीचे करेंगे और ऊपर की यहाँ पे ऊपर कर देंगे, ऊपर की तरफ नीचे करेंगे हल्का सा। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ग्रीन वाले में आएंगे और इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, नीचे को डाउन कर देंगे फ्रेंड्स। फिर आएंगे रेड वाले में, रेड वाले को ऊपर की तरफ ऊपर करेंगे और नीचे की तरफ नीचे हल्का सा। और ये आएंगे, ये ब्राइटनेस है फ्रेंड्स, RGB जो नाम से है, इसको भी बीच में हल्का सा बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। फिर बिफोर एंड आफ्टर हमारा गला देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फिर सबसे लास्ट में स्लाइड करेंगे और इसको स्मूथ कर देंगे बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको ऊपर की तरफ से देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कितना बढ़िया से डिटेल्स आ चुका है हर एक चीज़ में और बढ़िया से स्मूथ हुआ है फ्रेंड्स। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर कमेंट करके बताइए कौन से फ़ोटो का ट्यूटोरियल चाहिए इंस्टा पे, तो मैं जल्दी से जल्दी ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।